जेड प्लांट को इंडोर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, मैं इस बात पे आज डिस्कस करूंगा। और इसमें इंडोर में रखने से क्या प्रॉब्लम आती है जेड प्लांट में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हेलो गाइस, मैं हर्षराज और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जेड प्लांट को इंडोर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं और इसमें रखने से क्या प्रॉब्लम आती है जेड प्लांट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जेड प्लांट को इंडोर में रख सकते हैं, लेकिन रखने में एक प्रॉब्लम आती है कि इसके जो लीफ है वो छोटे छोटे हो जाते हैं और ये डार्क ग्रीन दिख रहा है वो लाइट ग्रीन हो जाता है, और फिर इसके जो ये नॉट का एरिया है वो ज़्यादा लॉन्ग लॉन्ग लंबा लंबा पतला पतला होने लगते हैं। तो ज़्यादा टाइम रखने से, जैसे 1 वीक से अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। और इसमें आपको ज़्यादा वाटरिंग भी देना नहीं होता है अगर आप इंडोर में रखिएगा तो, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटरिंग करिएगा तो रूट रॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए अगर मैं कहूँ तो जेड प्लांट को इंडोर में ना रखें। अगर रखना चाहते भी है तो 2 पॉट तैयार करें जेड प्लांट का, एक घर के बाहर रखें। घर के बाहर जैसे सेमी शेड में रखना है, जो आपको इंडोर में रखना है एक इंडोर में रखिएगा और फिर दूसरा सेमी शेड में रखिएगा जो कि इंडोर में नहीं रहेगा आउटडोर में रहेगा। और फिर 1 वीक बाद फिर दोनों पॉट को एक्सचेंज कर लीजिएगा, तो इससे आपका वो जगह भी खाली नहीं लगेगा और इससे आपका जगह भी भरा ऐसा लगेगा, खाली ऐसा नहीं लगेगा और जेड प्लांट में कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ तो ना रखे, क्योंकि मैं ट्राई करके देखा था तो ये जो आप देख रहे हैं ये बोनसाई, तो इसे मैंने सेमी शेड में रख दिया था, ऐसा जगह जहाँ पे ये डार्क लाइट में आ रहा था और इसके लीफ जो है इसके ब्रांचेस लंबे लंबे हो रहे थे, लाइट ग्रीन हो रहे थे, और फिर जब ये आउटडोर में गया तब इसके जो न्यू ब्रांचेस निकले थे इंडोर में, तो उसके वो जो ब्रांचेस थे वो सभी बर्न होकर ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद फिर इसमें न्यू ग्रोथ हुआ तो फिर ये अब ऐसा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंडोर में ना रखें। अगर रखना चाहते हैं तो ब्राइट लाइट में आप रखें, जहाँ ज़्यादा लाइट आए उस जगह पे रखना है, डार्क लाइट में ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।